हेलो, ये देखो मैं वीडियो की तैयारी कर रही हूँ अभी। इसका मैं कूट कर पाउडर बना लूँगी और उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ सारे कूट कर पाउडर बना के। ब्रश करूँगी सॉफ्ट हो जाए। सब वीडियो की तैयारी इकट्ठे करके रख लेती हूँ, इसलिए स्पॉन का ये देखो मैंने पाउडर वगैरह अच्छे से बना लिया। साथ में मैं अब वीडियो की तैयारी कर रही हूँ, इसमें मैंने लिया ब्लैक और रेड किट कैट। देखो इसमें से आधी पाउडर मैं ले लूँगी इस वीडियो की तैयारी के लिए, बाकी मैं दूसरी वीडियो की तैयारी के लिए रख दूँगी आधा। देखो इसमें अब मैं करूँगी प्लेट ले लूँ, बहुत काम होता है कभी वीडियो पे अगर अच्छा व्यूज आ जाए तो अच्छा लगता है, लगता है कि मेहनत सफल हो गई। बहुत मेहनत करती हूँ बढ़ती वीडियो के लिए। ये देखो मैं ऐसे इसकी तैयारी कर रही हूँ। इसमें मिक्स सारा है, किट क्या थे फिर क्या, आपके लिए छोटी है तो मैं बड़ी ले लेती हूँ। ये देखो ऐसे मतलब सारे मैंने मिक्स लिया है, स्लेट आइटम भी है। यहाँ पर बारिश बहुत हो रही है इसीलिए मैं स्लेट का, मुझे रिक्वेस्ट था वीडियो बनाने की 50 स्लेट पेंसिल की, तो अभी मैं जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही है। तो जैसे ही बारिश रुकेगा फिर जाकर लाऊंगी मैं, मेरे पास नहीं है स्लेट पेंसिल, लाना पड़ेगा। ये देखो ऐसे मैंने कर लिया है ढेर सारा और इसकी मैं करके इस पर ऊपर डालती हूँ पेस्ट अच्छे से। इसमें मैं डालूंगी रेड पेस्ट डालूंगी पहले। देखो कैसा लग रहा है, ढेर सारा डाला मैंने, पूरी देर ऐसे डाल के रख लूँगी ताकि सॉफ्ट हो जाए। डेली डेली क्रंच करती हूँ तो थोड़ा दांतों को भी तकलीफ तो होता ही है, कोई भी चीज़ हम डेली करते हैं तो थोड़ा सॉफ्ट भी चाहिए। ये है सॉफ्ट, थोड़ा करना और ज़्यादा में बहुत फ़र्क होता है, ये बहुत बहुत ज़्यादा है। देखो मुझे वीडियो की तैयारी करते करते कितना टाइम, घंटों लग जाते हैं। पहले पाउडर बनाती हूँ, पेस्ट बनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं ले लेती हूँ वाइट। वाइट और ब्लैक मिक्स है इसमें, रेड कलर। देखो पंजाब की बिस्किट का पेस्ट का कलर जो है कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसके ऊपर से ये डाल दूँगी वाइट चॉकलेट पेस्ट, इससे सॉफ्ट भी हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लग रहा है। और ऊपर से डाल देती हूँ पंजाब की बिस्किट। इस बार जो आया है ना पंजाब की बिस्किट बहुत ही अच्छा है, तो बार बार हर वीडियो में यूज़ कर रही हूँ मैं इसको। वैसे अच्छा भी लगता है, सभी मिक्स हो जाता है, क्रंच करने में भी अच्छा लगता है। और इसके ऊपर से मैं डालूंगी एक नाकोमेट का पीस नॉन रोस्टेड। ये देखो हो गई वीडियो की तैयारी।